नए वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। अब आपको ये वीडियो दिख रहा है, अब इसके बाद फॉरबिसगंज की तरफ क्या हो रहा है उसको अब दिखाएंगे हम। तो वीडियो को एक जरा से भी स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचे। हम अभी एक नदी के किनारे में बैठे हुए हैं और ये नदी अभी दिखाए पिछले वीडियो में आपको चकरदहा हॉल्ट का, उसके बाद ये फॉरबिसगंज की तरफ ये ब्रिज पड़ती है। ये हॉल्ट के बाद ही ये ब्रिज आती है। तो ये उसी ब्रिज के नीचे में भी हम बैठे हैं और यहाँ पे पानी बहुत ही साफ है, अच्छा पानी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन पर क्या क्या वर्क हो रहा है और इसके बीच में ट्रैक के ऊपर क्या हो रहा है, इस चीज़ को आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम जो है जहाँ पर अभी वीडियो का एंड किए थे, ख़त्म किए थे, उस पुल को दिखाए थे, तो वो पुल से बहुत आगे आ चुके हैं। वो पुल आपको वहाँ दिख रहा होगा, तो बहुत छोटा छोटा खुली आँखों से छोटी छोटी दिख रही थी, कैमरा तो नहीं दिख रहा होगा जान है। उसके बाद जो है जो बड़ा वाला ब्लास्ट को जो गिराने का है, इस पर जो है काम हुआ है। यहाँ तक ट्रैक वगैरह जो है गिराया हुआ है, इस तरफ भी स्लीपर भी गिराया हुआ है, यहाँ पे इस तरफ ट्रैक भी गिराया हुआ है। अब इसके आगे आपको दिखाते हैं फॉरबिसगंज की तरफ जो क्या स्थिति है इस ट्रैक के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर बड़ी छोटी अपडेट सबसे पहले आ चुके हैं इस ब्रिज के ऊपर। और इस ब्रिज का भी काम जो है पूरा जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। अब चलिए आपको लेकर चलते आगे और दिखाते हैं आगे का नज़ारा कि ट्रैक के ऊपर क्या हो रहा है। आगे आपको ब्रिज दिख रहा होगा, अभी वहाँ भी लेकर चलेंगे। पुल के इस तरफ भी जो है ट्रैक वगैरह जो है गिराया हुआ है और स्लीपर भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आप पुराना वाला बोर्ड लगा हुआ है, फाटक वाला ब्रिज, एक ब्रिज ये भी है, यानी कि एक दो ये तीसरा ब्रिज है चकरदहा हॉल्ट के बाद फॉरबिसगंज की तरफ। और यहाँ पे जो है स्लीपर वगैरह भी गिरा हुआ है और ये लगभग जो है तैयार है ये ब्रिज बन करके। इस पर देख रहे हैं कि लोहे वाला स्लीपर भी लगा दिया गया। अब हम आ चुके हैं, ये तीसरा पुल है चकरदहा हॉल्ट के बाद फॉरबिसगंज की तरफ से। हम अभी इस ब्रिज पे आए हुए हैं। यहाँ पर जो है लोहे वाला स्लीपर जो होता है उसको बिछा दिया गया पूरा पूरा पुल पे। आप देख सकते हैं इस तरफ भी और ट्रैक वगैरह भी जो है अभी नहीं कसाया इसके ऊपर। और जो सीमेंटेड जो है स्लीपर होता है वो उस तरफ रखा हुआ है। और पीछे भी रेलवे ट्रैक जो है अब देख सकते हैं कि इतिहास लेकर वहाँ तक जो है रखा हुआ है। अब चलिए इसके आगे क्या हो रहा है इस ट्रैक के ऊपर उस चीज़ को दिखाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। मेरे आगे इस तरह का दिख रहा है अभी, ये देखिए स्लीपर। अभी मैं इसी पे चल रहा हूँ, इस पे चलने में डर भी लग रहा है। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं और ये रहा ब्रिज। तो चलिए आपको अब आगे लेके चलते हैं और आगे क्या हो रहा है। इस तरफ देख रहे हैं छोटी वाली बजरी जो है गिरा दिया गया है इसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर। अब आपको आगे लेके चलते हैं, आगे कहां तक काम हो रहा है उस चीज़ को। अब हम पुल से आगे आ चुके हैं, वो रहा पुल, और वहां से यहां पे आए हैं। तो देख रहे हैं कि यहां पे ब्लास्ट जो है गिरा हुआ है, ट्रक से गिर रहा है, आगे भी ब्लास्ट गिराने का काम चल रहा है इस तरफ ट्रैक के ऊपर। उस पुल के बाद जो है उधर से आपको दिखाएं ब्लास्ट वगैरह रखा हुआ था, और उससे आगे हम आ चुके हैं ढला के पास। वो देख रहे हैं आप पुल जो दिख रहा है वो NH 57 का है पुल है। अब हम ढला के पास आ चुके हैं
और यहाँ पर का अभी वर्तमान का कंडीशन इस तरह का दिख रहा है। स्लीपर वगैरह ट्रैक वगैरह जो है गिरा हुआ है यहाँ पर। और चलिए आपको उस तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उस तरफ का क्या हाल है। उस तरफ जो है देख रहे हैं कि काम हो रहा है, केबिन बनाने का काम हो रहा है, केबिन बन रहा है। यहाँ पर फाटक है इस वजह से केबिन बन रहा है यहाँ पर। और इस तरफ का कंडीशन इस तरह का। अब चलिए लेके चलते हैं आपको इस तरफ और दिखाते हैं इधर का क्या सिचुएशन है, ट्रैक के ऊपर का क्या क्या काम हो रहा है उसको दिखाएंगे अभी आपको। वीडियो में बने रहिए, एक जरा से भी स्किप मत किया कीजिए। ये रही पुरानी वाली केबिन छोटी सी, जो अभी बैठने के लिए यहाँ पर के लोगों का काम आ रहा है। यहाँ पे ट्रैक वगैरह जो है ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, बिछाने का काम कर रहे हैं। इस पे ट्रैक बिछाएंगे, स्लीपर भी रखा हुआ है, ट्रैक भी, यानी कि ट्रैक को दो दो को जोड़े के हिसाब से जो है लगा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं एनएच के इस तरफ, ब्रिज के इस तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह जो है आप देख सकते हैं रखा हुआ है। और ट्रैक्टर से जो है ट्रैक को बिछाया जा रहा है और इस तरफ भी स्लीपर रखा हुआ है। और ये रहा कॉलेज, मोती बाबू इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, आपको दीवार पे लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। चलिए उस सामने जो ब्रिज दिख रहा है आपको उसके पास लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और इस तरफ भी जो है कॉलेज के पीछे जो स्लीपर वगैरह जो है गिराया हुआ है, ट्रैक भी है आगे, ट्रैक को जो है बिछाने का काम कर रहे हैं। अभी आपको दिखाएं और आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे क्या क्या हो रहा है इस चीज़ को अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। लगभग हम पुल के पास अब आ चुके हैं, वो एनएच वाला जो आपको दिखाए थे फ्लाईओवर जो था वहाँ के बाद जो इस तरफ जो है जो बड़ा वाला ब्लास्ट गिराने का जो है काम यहाँ इधर हुआ है। और मेरे ठीक पीछे एक पुल है आपको दिख रहा होगा, तो कौन सा पुल है वहाँ पे जा करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। छोटी वाली जो बजरी होती है उसका भी ढेर लगा हुआ है, यहाँ भी लगा, उस तरफ भी लगा हुआ है। और पुल पर लगता है कि यहाँ से देखने में लगता है काम चल रहा है। चलिए लेके चलते हैं पुल के पास। अब हम आ चुके हैं इस पुल के पास, चकरदाहा हॉल्ट के पास से लेकर के और यहाँ तक फॉरबिसगंज तक जो है 1 2 3 चौथा पुल के पास हम आए हैं। एक पुल शायद आगे है, चलिए वहाँ तक लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर हुआ है। यहाँ भी इस पुल पर भी जो है काम चल रहा है, मेटल वाला स्लीपर को बिछाने का काम चल रहा है। चलिए अब ले चलते हैं आगे। अपना भी ब्रिज है, सब पे अभी काम चल रहा है, देख सकते हैं यही बड़ा ब्रिज है। ये फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से लगभग नहीं भी तो 1 किलोमीटर पहले होगा ये ब्रिज, 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही है। और यहाँ भी स्लीपर वगैरह इस तरफ पूरा रखा हुआ है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं ऊपर, ऊपर से दिखाते हैं इसका व्यू और आगे क्या क्या हो रहा है उसको दिखाएंगे। अब हम आ चुके हैं फिर से ट्रैक के ऊपर, ये रहा ब्रिज और ये रहा कॉलेज, ट्रैक भी गिरा हुआ है। और एक पुल जो है आगे है, वही लास्ट पुल है, उसके बाद फारबिसगंज जंक्शन आ जाता है, स्टेशन आ जाता है। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, एक और लाइन दिख रही होगी, वो जोगबनी की तरफ चली जाती है, जोगबनी बतनहा की तरफ चली जाती है। और इधर फारबिसगंज जंक्शन, और जिस इधर से जो हम आ रहे हैं ये सहरसा फारबिसगंज लाइन हो गई। और इस ट्रैक के ऊपर भी जो है जो ब्लास्ट वगैरह जो है गिरा हुआ है यहाँ पर। अब हम आ चुके हैं इस यहाँ पे ब्रिज निर्माण का काम चल रहा है फारबिसगंज में, ये रहा इसका बोर्ड, ब्रिज संख्या 51 है, रिवर सीताधार। और ये यहाँ पर निर्माण हो रहा है इस ब्रिज का, ये जोगबनी फारबिसगंज रेलवे लाइन है,
इस तरफ जो है फॉरबिसगंज चली जाती है और इस तरफ जो है बतनाहा और जगबनी की तरफ चली जाती है। और यहीं पे जो है ब्रिज का निर्माण का काम चल रहा है, मशीन से अंदर से बालू निकाल रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये पहले वाला पाया है बना हुआ, इससे पहले ही बना था वो कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर से जो है पाया का बेस का उसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जो है बनने में इसी पुल को जो भी समय लगेगा बनने में, चकरदाहा हॉल्ट के बाद जो भी ट्रैक पे कंडीशन था उसको मैंने आपको दिखाया। यहाँ जो है ब्रिज निर्माण का काम जो है सुभाष चौक के पास, ये ब्रिज संख्या जो है 51 है और रिवर सतीका धार है, यहाँ पर जो है काम चल रहा है। तो उस तरफ जो है जितना भी रिवर था, जितना भी जो पुल था, ऑलमोस्ट जो है तैयार हो चुका है। तो यहीं पे देख रहे हैं इसी में जो है जो भी देर है इसी में है, इसका जो है बेसी अभी देख रहे बन रहा है। दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है फॉरबिसगंज जंक्शन का, कि वहाँ पे प्लेटफार्म के ऊपर क्या वर्क हो रहा है उसको हम दिखाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।